नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। बिहार के कैमूर जिला रामगढ़ थाना सिसोड़ा में कबड्डी खेल का फाइनल मुकाबला था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी रघुनाथ प्रसाद सिंह, थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। जीतने वाली टीम को हेलमेट मैन ने सभी खिलाड़ियों को हेलमेट देकर जागरूक किया और यह कहा कि अपने जीवन सुरक्षा की ट्रॉफी है, जो जीवन के खेल में हमेशा जीतने में सुरक्षा का सहयोग देगी। प्रतिवर्ष हम हजारों खिलाड़ियों को खो देते हैं सड़क दुर्घटना के कारण। खिलाड़ियों के सर में हेलमेट नहीं होने से दुर्घटना होती है, इसलिए जब भी अपने घर से निकले बाइक पर बैठते वक्त सर पर हेलमेट होना जरूरी है ताकि आप सुरक्षित खेल के मैदान तक पहुंच सकें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी रघुनाथ प्रसाद सिंह ने हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राघवेंद्र यानी कि हेलमेट मैन का फैन आप लोग भी नहीं बल्कि मैं खुद इनका एक बड़ा फैन हूं। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा और आइए हम सुनते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं जो आप लोगों ने बोला वो पूरा सच नहीं था। एक्चुअली फैन तो मैं हेलमेट मैन का खुद फैन हूँ। गाड़ी में यहाँ आना तो हमने गाड़ी के सिपाहियों से बोला कि हेलमेट मैन का नाम सुना तो लो। तो उन लोगों ने बताया कि सर कहीं कहीं न्यूज में हमने देखा है, लेकिन पूरा ज्यादा विस्तार से बताइए हेलमेट मैन है क्या। मैंने हेलमेट मैन के बारे में पूरा बताया कि जैसा कि हम एक बार उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन दिया था, हमसे मिले थे अपने गांव में, कोई कार्यक्रम था उसी में हमने मिला था। और जब इनसे पूछा कि आप हेलमेट मैन कैसे बने, तो इन्होंने जो हमको बताया कि एक आदमी जो कि हेलमेट के चलते हेलमेट नहीं था और वो गिर कर देख करके उसके बाद मेरे अंदर एक भावनाएं जगी कि मैं क्योंकि अनावश्यक रूप से बिना हेलमेट पहने में जो मौत की गले लगा लेते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं, उनको मैं बचाने का काम कर बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। और जो जिंदगी का जो मैच जो प्रति वर्ष हमारे भारत में जो 1.5 लाख बच्चे जो युवा जो हार जाते हैं वो सड़क दुर्घटना से मौत में, और उसमें 50,000 ऐसे लोगों की मौत होती है जो अपने घर के सिंगल चिराग होते हैं, उस घर का जो सिंगल चिराग होता है वो हमेशा के लिए बुझ जाता है। तो मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि आज जो भारत के जो हालात है सड़क दुर्घटना के मौत के आंकड़े में वो विश्व के पहले स्थान पर बना हुआ है।